टॉप 20 न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय वाल्के हैप्पी होम्स। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 20 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने तीसरा नोटिस भेजा है। हालांकि ईडी की तीसरी नोटिस के बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री पेश नहीं होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से नोटिस को लेकर कहा गया है कि चुनाव प्रचार से रोकने के लिए केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश चल रही है। आपका कहना है कि केजरीवाल जांच में सहयोग करने को तैयार है। असम के डेरगांव में बड़ी सड़क दुर्घटना हुई है। यहां बुधवार की सुबह 45 लोगों को ले जा रही एक बस और एक ट्रक के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई। दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। देश भर में ट्रक और बस ड्राइवरों की हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। दिल्ली, यूपी, बिहार, गुजरात समेत तमाम राज्यों में ट्रक और बसों के पहिए थम गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से ठप हो गया था। हजारों यात्री अपने गंतव्य पर जाने के लिए परेशान होते रहे। कोई भी बस ड्राइवर बस चलाने को तैयार नहीं था। ट्रक और बस ड्राइवरों की हड़ताल फिलहाल अब खत्म हो गई है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 602 नए मामले सामने आए हैं और 5 मौतें हुई हैं। देश में कोविड-19 के कुल सक्रिय मामलों की संख्या 4,440 हो गई है। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कई करीबी कारोबारियों के यहां ईडी का छापा पड़ा है। आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गुगा मीडी हत्या मामले में एनआईए की छापेमारी चल रही है। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली में 31 जगह पर रेड जारी है। एएसआई की ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होगी या नहीं, इस पर आज वाराणसी जिला अदालत फैसला सुनाएगी। 18 दिसंबर को सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लक्षद्वीप दौरे पर रहेंगे, जहां वे अनेक विकास परियोजनाओं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लक्षद्वीप में दूरसंचार, पेयजल और सौर ऊर्जा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों से संबंधित 1150 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। भारत में पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप की तीव्रता रिश्टर पैमाने पर 3.5 रही। इसके साथ ही मणिपुर के 26 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम उखरुल में भी भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिश्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.0 थी। लैंड स्केम मामले में ईडी के बार बार समन के बावजूद हाजिर नहीं होने के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बुधवार को पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई है। इस बीच हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी को सीएम बनाने की अटकलों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में लातूर शहर को सप्ताह में केवल एक बार पानी की आपूर्ति मिल रही है, क्योंकि मंजारा बांध में जल भंडारण का स्तर इसकी क्षमता के 20% तक गिर गया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। क्षेत्र में कम वर्षा को देखते हुए लातूर को दिसंबर 2023 तक सप्ताह में 2 बार पानी की आपूर्ति की जाती थी। नगर निगम के एक अधिकारी ने कहा है कि लातूर के लिए पानी के प्रमुख स्रोत मंजारा बांध में फिलहाल 20% पानी ही भरा है। आतंकवादी दाऊद इब्राहिम की मां अमीना बी के नाम पर महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के खेड़ तालुका में जो 4 संपत्तियां हैं उनके अधिकारियों द्वारा शुक्रवार को नीलामी की जाएगी। ये सभी 4 संपत्तियां कृषि योग्य हैं और खेड़ के मुख के गांव में स्थित है, जहां दाऊद और उसके भाई बहनों ने अपने बचपन का हिस्सा बताया था। ये नीलामी मुंबई में होगी। महाराष्ट्र के शिरो लोकसभा सीट को लेकर शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी आमने सामने है। इस बीच मुख्यमंत्री का शिव संकल्प अभियान 6 जनवरी को इस क्षेत्र से शुरू हो रहा है। अडानी हिंडनबर्ग मामले पर देश की सर्वोच्च अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को इस मामले की जांच के लिए 3 महीने का और वक्त दिया है। 24 मामलों में से 22 में जांच पूरी हो गई और इन बचे हुए 2 मामलों के लिए उच्चतम न्यायालय ने सेबी को फिलहाल 3 महीने का समय और दे दिया है। घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत आज कमजोरी के साथ लाल निशान में हुई है और सेंसेक्स ओपनिंग मिनट में ही 230 अंकों से ज्यादा टूटा है। निफ्टी में भी 21,600 के करीब के स्तर देखे जा रहे हैं। चीन के डेटा कल आए हैं, जिसके बाद भारतीय बाजार में मेटल स्टॉक्स पर निगेटिव असर देखा जा रहा है और ज्यादातर मेटल शेयर गिरावट पर है। कल अमेरिकी बाजार में नैस्डैक में जोरदार गिरावट थी, जिसके असर से आज इंडियन मार्केट में आईटी स्टॉक्स में कमजोरी हावी है। अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान हाल ही में अपने पिता अरबाज की शोरा खान संग दूसरी शादी में शामिल होने पर सुर्खियों में छा गए थे। वहीं अब स्टार किड के डेटिंग रूमर्स उड़ रहे हैं। दरअसल अरहान को हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन की बेटी राशा खंडानी के साथ मुंबई में स्पॉट किया गया। साउथ के मेगा स्टार प्रभास अपनी फिल्म सोलार के चलते लगातार चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं। सुपरस्टार ने अपनी इस फिल्म के जरिए फिर से बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बना लिया है। प्रभास की सोलार दुनिया भर में अपना जलवा दिखा रही है। यह फिल्म अपने शुरुआती दिनों से ही शानदार कमाई किए जा रही है। वहीं महज 10 दिनों में सोलार ने 600 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और मेकर्स को काफी खुश कर दिया है।
ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर नए साल में धमाल मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 25 जनवरी को फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म को लेकर लगातार माहौल बनाया जा रहा है। खुद फिल्म के डायरेक्टर फैंस के साथ फिल्म की छोटी बड़ी डिटेल शेयर करते दिख रहे हैं। फिल्म का बजट 250 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। ऋतिक, दीपिका, करण समेत फिल्म में लंबी चौड़ी स्टार कास्ट दिखाई दे रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और लालू यादव के साथ एक अहम बैठक की है। इस बैठक में तीनों नेताओं ने सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत की है। राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विभाग ने भी बुधवार को साफ कर दिया है कि अगले कुछ दिनों के लिए इससे राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में ठंड का कहर जारी रहने की संभावना है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला एनबीसी न्यूज पर यूं ही लगातार चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ एनबीसी न्यूज पर। नमस्कार।